वेदांत सार के दूसरे अध्याय के बयालीसवें श्लोक तक हम कर चुके हैं पर तिरतालीसवां में शुरू करूं उसके पहले थोड़ा बयालीस को मैं फिर से एक बार तक एक कड़ी बन जाती है इम निर्कृष्टो उपाधित्य मलिन सत्व प्रधान यह जो व्यष्टि अंतकरण है ये अपने स्वभाव से अपनी प्रकृति से मलिन सत्वगुण का है इसमें शुद्ध सत्वगुण नहीं है इसमें मलिनता रहती है जिस कारण से ये निकृष्ट निकृष्ट को अगर हम अंग्रेजी में करें तो हो जाएगा इनफीरियर टू तो हु टू ईश्वर ईश्वर से इन्फीरियर तो जीव का ईश्वर से जब हम तुलनात्मक तो संबंध देखते हैं तो ईश्वर सत्वगुणी है पर जीव मलिन सत्वगुणी। ये सबसे बड़ा भेद दूसरा ईश्वर माया वाला है जीव मन वाला है तीसरा ईश्वर एक है और जीव अनेक है चौथा ईश्वर सर्वज्ञ है पर जीव अल्पज्ञ है पांचवा ईश्वर को अपने स्वरूप का कभी अज्ञान नहीं होता है पर जीव को अपना स्वरूप भूला रहता है तभी तो मलिन सत्वगुण और शुद्ध सत्वगुण का जो बहुत बड़ा अंतर है हम शक्तियों की दृष्टि से नहीं कह रहे कि ईश्वर के पास शक्तियाँ हैं और जीव के पास नहीं है या ईश्वर एक है और जीवन एक है इट डजेंट मैटर्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन वेदांता इज कि ईश्वर को अपना स्वरूप कभी भूलता नहीं है और जीव को अपना आप याद रहता नहीं तो ईश्वर को किसी गुरु की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी पर जीव को गुरु की जरूरत पड़ेगी ईश्वर भूलता नहीं है ऐसा ऐसा थोड़ा आप समझें इसको थोड़ा हम ये उदाहरण लेते हैं जैसे अगर हम कहें कि संत ज्ञानेश्वर के गुरु कौन कोई नहीं तो उनको ज्ञान कैसे हुआ ज्ञान सहित पैदा हुए थोड़ा सा अंतर कभी कभी एक भक्त का और एक संत का जब करना हो तो हम ये भी कर सकते हैं भक्त वह है जो एक समय के बाद प्रेम और भक्ति के मार्ग पे चला फिर किसी गुरु की कृपा से उसने सत्संग किया फिर उसको ये सब चीज़ें आई तो मन में भाव आया तो मन में प्रेम आया हम ये भी कह सकते हैं जिसको हम ऋषि कहते हैं या जिसे हम संत कहते हैं वो जब जन्म लेता है, तब भी उसको स्वरूप का कभी अज्ञान नहीं होता है इसलिए वो छह महीने का हो के पांच साल का हो के बीस साल का हो आयु का कोई लेना देना नहीं है वो जन्म जात ज्ञानी होता है जैसे हम उदाहरण देखिए बहुत से संतों के उदाहरण मिलेंगे कि गुरु आए जीवन में तो बड़ा लेते हैं ध्रुव जी हैं प्रहलाद हैं नारद मुनि जी आए दोनों के एक ही गुरु हैं नारद जीवन में आए विष्णु की भक्ति आई विष्णु की भक्ति के मार्ग पे चले पर अगर हम ये कहें कि संत सनातन सनंदन ये जो चार भाई हुए इनको किसने ज्ञान कराया था इनके गुरु कौन थे बोले नहीं तो जब से उत्पन्न हुए तब से ही ज्ञानी थे या हम कहें कि जो सप्तऋषि हुए उनको ज्ञान किसने कराया अत्री हैं वशिष्ठ हैं मारकंडे हैं तो इनको तो किसी ने ज्ञान नहीं कराया ये तो जब उत्पन्न हुए तब भी अपने साथ ये ज्ञान को लेकर के ही आए हैं अब जहां हम ईश्वर को देखते हैं तो ईश्वर मायापति है और जहां हम जीव को देखते हैं तो जीव अल्पज्ञ है क्यों क्योंकि वो अविद्या वाला है तो ये व्यष्टि और समष्टि का बड़ा भेद यहां आता है अब लेते हैं इस सत्र का पहला श्लोक तिरतालीसवातद उपहितम चैतन्यम अल्प ज्ञानत्व अन ईश्वरत्व आदि गुणकम प्रज्ञा उच्यत एक ज्ञान अवभासकत्वात् ये जो चैतन्य है उपहित चैतन्य अभी एक नया शब्द आ रहा है वेदांत की भाषा में उपहित और वशिष्ठ दो उपहित कहते हैं वो उसमें होके भी उससे अलग है उपमने पास उपहित मैंने वो पास में होके भी अलग रहता है और विशिष्ट जब हम कहते हैं तो वो वो गुण होता है जो अलग नहीं होगा वो उसी वस्तु में या उस व्यक्ति में हमेशा रहेगा लेट्स से किसी ने पूछा सुरिंदर कौन है बोले जिसने सफेद पगड़ी बांधी है अब ये जो सफेद पगड़ी है ये विशिष्ट गुण हुई या ये उपहित गुण हुई पगड़ी उतार देगा बंदा पगड़ी निकाल सकता है कुछ और पहन सकता है पगड़ी उतार के वो रुमाल सिर में रख ले वो दुमाला सिर में बांध ले, लेकिन अगर हम कहें कि सुरिंदर कौन है और हम कहें कि जिसके माथे पर चोट की निशान है वो सुरिंदर है अब ये क्या हुआ ये विशिष्ट हो गया ये एक ऐसा विशेषण मैंने एक ऐसी पहचान है जो उससे अलग नहीं की जा सकती तो जीव कहें या ईश्वर कहे इनमें एक जो गुण है जिसे हम कहेंगे उपहित गुण वो है चैतन्यता का जीव भी चैतन्य है अब जीव चैतन्य क्यों व्यष्टि है तो आत्मा के साथ जुड़ते ही मन ये जीव हुआ और जिसे हमने कहा ईश्वर तो वो ब्रह्म के साथ माया जुड़ी तो हो गया था ईश्वर अच्छा अब क्या ईश्वर माया के अलग हो जाए तो वो खालिश ब्रह्म हो गया और जीव अगर अपनी अविद्या और मन से अपने आप को अलग कर दे तो जीव भी खालस शुद्ध आत्मा हो गया